उधर, काहे कि आप नहीं गए तो रुक्मणी मर जाएगी, लेकिन किसी और के साथ में विवाह करके नहीं जाएगी। आज धरो पत्र दिया है, आज धरो। भगवान कन्हैया ने पत्र पढ़ाए हैं तो कहा कि देखो पंडित जी, अब बात ये है कि हम आपके साथ तो चलते, लेकिन अब बात दूसरी है। क्या? कि बचपन में जब हम छोटे थे ना, उस समय की बात है, हम गोपियों के चीर चुराते थे, चुरा चुरा के माखन खाते थे, तो हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब हमें कोई घर से बाहर नहीं होने दे रहा है। इसलिए देखो हम चलेंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। कहा कि थोड़ी दूर चलना, खास के बैठ जाना, थोड़ी दूर चलना, खास के बैठ जाना। तो हम बल्लाम भैया से कह देंगे पंडित जी पर बुढ़ापा है और चला नहीं जा रहा है, तो हम इन्हें कुंदनपुर तक छोड़ आए, अगर उनकी आज्ञा मिल जाएगी तो हम तुम्हारे साथ तक चलेंगे, वैसे हम नहीं जा पाएंगे। पंडित जी बोले ठीक है। अब जैसे ही विदा लेकर के पंडित जी आगे बढ़े तो थोड़ी दूर चलते हैं, खास के बैठ जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, खास के बैठ जाते हैं। बल्लाम ने जैसे ही देखा, क्या बात है पंडित जी? कन्हैया बोले बल्लाम भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे पंडित जी पर बुढ़ापा है, चला नहीं जा रहा है, हमने कुंदनपुर तक छोड़िया। बोले हाँ चले जाओ, लेकिन बहुत जल्दी लौट करके आना। पड़ने वाले घोड़े उस रथ में लगाए, रथ को तैयार किया। आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बैठाया और जैसे ही आगे बढ़े हैं, आसमान में रथोड़ा। पंडित जी घबराने लगे, बोले कन्हैया अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, नीचे रथ को ले लो। कन्हैया बोले पंडित जी हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे। बोले बिल्कुल। अब नीचे भगवान ने रथ को लिया, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और महाराज जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो कुंदनपुर में रथ पहुंचा है, मंदिर के पीछे रथ खड़ा कर दिया और कन्हैया से कहा है, कन्हैया तुम यहीं खड़े रहो, अभी हम तुरंत रुक्मणी को भेज रहे हैं। कन्हैया बोले ठीक है चले जाओ। आज पंडित जी जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही रुक्मणी ने पंडित जी को आता हुआ देखा, एकदम से निकल करके आई भाग के। पंडित जी कौन कौन आया? बोले एक कन्हैया, एक रथ, दो घोड़े, और कोई साथ नहीं आया? कोई नहीं आया, अकेले आए श्याम, बिल्कुल अकेले आए हैं, अकेले आए श्याम। बोले हाँ बिल्कुल अकेले आए, और कोई नहीं आया? बोले कोई नहीं आया।
पंडित जी बोले एक बात कहे ना कमड़ी, बोले हाँ हाँ बताओ। बोले हम तो जजानत थे कन्हैया पता ना है कितो सुंदर हुई है। ऐ महाराज रुकमणी बोली है, हेलो बोलिए गोविंद भगवान की।